तो चलिए देखते हैं टॉप 10 ऐसे हिंदी सीरियल्स के बारे में जिसमें हमको बहनों का प्यार बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10, बानी इश्क द कलमा। यह सीरियल 2013-14 में कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 317 एपिसोड्स हैं। यह सीरियल दो कजिन्स रज्जी और बानी की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। इस सीरियल में इन दोनों पंजाबी कजिन्स का किरदार शेफाली वर्मा और नेहा बग्गा ने निभाया था। नंबर 9, बहने। यह सीरियल 2010-11 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 325 एपिसोड्स हैं। यह सीरियल विचार बहनों पूर्वा, समृति, आक्षा और अनोखी की कहानी दर्शाता है। इन चारों बहनों की भूमिकाएं आलशा, सिजु कटारिया, अदा खान और ओजस्वी ओबराय ने निभाई थी। नंबर 8, स्वरागनी, जोड़े रिश्तों के सुर। यह सीरियल 2015-16 में कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 469 एपिसोड्स हैं। इस सीरियल में स्वरा और रागनी दोनों सगी बहनें तो नहीं थी परंतु एक तरह से बहनें ही थी। इनकी भूमिकाएं हेलिशा और तेजस्वी प्रकाश ने निभाई थी। यह सीरियल भी काफी पॉपुलर हुआ था। नंबर 7, एक रिश्ता ऐसा भी। यह सीरियल 2014-15 में सोनीपत पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 133 एपिसोड्स हैं। यह सीरियल 6 बहनों की कहानी बयां करता है जो होती हैं सोनिया, दीपिका, रति, अंजलि, खुशी और फ्रूटी, जो एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखती हैं और बेहद ही ज्यादा प्यार करती हैं। नंबर 6, शास्त्री सिस्टर्स। यह सीरियल 2014-15 में कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 329 एपिसोड्स हैं। इस सीरियल में भी हमको चार बहनें अलका, अनुष्का, देवयानी और पिया देखने को मिलती हैं। इन सब की भूमिका निभाई थी नेहा पेडलेकर, इशिता गांगुली, सोनल वेंगुरलेकर और प्रगति चौरसिया ने। नंबर 5, घर की लक्ष्मी बेटियां। यह सीरियल 2006-09 में जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 595 एपिसोड्स हैं। इस सीरियल में भी हमको चार बहनें सरस्वती, गौरी, दुर्गा और लक्ष्मी देखने को मिलती हैं। इन सब के बीच भी अटूट प्यार देखने को मिलता है। शो थोड़ा पुराना जरूर है परंतु काफी अच्छा है। नंबर 4, सपना बाबुल का विदाई। इस सीरियल के बारे में सब जानते हैं। यह सीरियल 2007 से लेकर 2010 तक स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 739 एपिसोड्स हैं। यह सीरियल भी दो कजिन बहनों के इर्द गिर्द घूमता है जिनमें से एक बहन गोरी होती है तो वहीं दूसरी बहन सांवली होती है। दोनों बहनों की भूमिका इसमें सारा खान और पारुल चौहान ने निभाई थी। यह सीरियल भी काफी पॉपुलर सीरियल है। नंबर 3, सपने सुहाने लटकपन के। यह सीरियल 2012 से 2015 तक जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके 707 एपिसोड्स हैं। यह शो भी हमको दो बहनों गुंजन और रचना की कहानी दर्शाता है जिनकी भूमिकाएं रूपल त्यागी और महिमा मकवाना निभाती नजर आती हैं। यह शो भी काफी पॉपुलर रहा है। नंबर 2, कसम से। जी टीवी का यह सीरियल 2006 में शुरू हुआ था जो कि 2009 तक चला था। इसके 742 एपिसोड हैं। यह सीरियल भी तीन बहनें बानी, पिया और रानू की कहानी दर्शाता है। इस सीरियल में राम कपूर, प्राची देसाई जैसे बड़े बड़े स्टार्स नजर आए थे। नंबर 1, एक हजारों में मेरी बहना है। स्टार प्लस के इस सीरियल ने बहनों के प्यार की मिसाल कायम की है। यह सीरियल 2011 से 2013 तक चला था। इसके 515 एपिसोड्स हैं। इस सीरियल की कहानी भी दो बहनों और उनके प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीरियल में क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा दोनों बहनों के किरदार में नजर आई थी। यह शो भी काफी पॉपुलर हुआ था। तो ये थे बहनों के प्यार से प्रेरित टॉप 10 हिंदी सीरियल्स। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।